नमस्कार जसबीर क्रिएशन चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत है फ्रेंड्स आज हम अपने व्यूअर्स की फरमाइश पर बड़े बच्चे का इनर बताने जा रहे हैं ये इनर हमने पहले न्यू बॉर्न बेबी का बनाया था जब हमने न्यू बॉर्न बेबी का बनाया तो हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया गया उस इनर को आप सब ने बहुत लाइक किया है उसके बाद हमें बहुत फरमाइश आने लगी कि आप बड़े बच्चे का इनर बनाइए तो आज हम दो साल से लेके तीन साल के बच्चे तक दो साल से लेकर तीन साल के बच्चे का इनर बनाने जा रहे हैं इस इनर को हमने कैसे बनाया है वो आपके साथ शेयर करेंगे ये देखिए हमने कैसे स्टार्ट किया आगे कैसे बनाया वो आपको बताएंगे तो फ्रेंड ऐसा ही इनर हमने ये देखिए पहले बनाया था न्यू बॉर्न बेबी का ये न्यू बॉर्न बेबी का हमने बनाया था छोटा सा इसको बहुत लाइक किया गया तो आज हम दो साल से लेकर जो तीन साल के बच्चे का बनाने जा रहे हैं वो हम बताएंगे कि ये कैसे हमने बनाना है अभी एक पीस हमने बना लिया है दूसरा पीस हम आपको बताने जा रहे हैं इसके लिए फ्रेंड्स हमने सेवनटी फंदे डाले हैं सत्तर वो हम स्क्रीन पे भी आएगा आपको लिखा हुआ मिलेगा तो सत्तर फंदे जो हमने डाले हैं वो सिंपल डाले हैं ये देखिए और फिर उसका बॉर्डर बुना है तो हम सत्तर फंदे डाल कर आपको दिखाएंगे कि फंदे कैसे डालने हैं जे वाले फंदे डालना हम पहले बता चुके हैं कि सिंपल फंदे कैसे डालने हैं दो पीस हमने इधर लिए हैं एक पीस इधर है गोले वाला और दो पीस हमने इधर रखने हैं और फंदे डालने हैं ऐसे ये सिंपल फंदे हैं दो पीसे डाले हुए तो ऐसे सत्तर फंदे सेवनटी फंदे डालकर हमने बॉर्डर बुनना है तो सेवनटी फंदे हम डालेंगे फिर हम बॉर्डर बुनेंगे बॉर्डर एक सीधा और एक उल्टा ऐसा बुनना है हम आपको थोड़े फंदों में बताएंगे क्योंकि ये जो बॉर्डर है ना, ये एक सीधा और एक उल्टा बुना हुआ है दो पीस से फंदे डले हुए हैं तो बॉर्डर हमने कैसे बनाना है और फ्रेंड्स हम बॉर्डर जो है वो ग्यारह नंबर पे बनाएंगे ऊपर हम दस नंबर लगाएंगे बॉर्डर के बाद तो बॉर्डर कैसे बुनना है वो हम बताएंगे एक सीधा पहले आपने पूरी सिलाई सीधी बनानी है जो आपने सेवेंटी फंदे डालने हैं सत्तर क्योंकि जे दो साल से क्योंकि नीचे पहनने वाला है आ, आ, इनर है जे स्वेटर नहीं है जो ऊपर पहना जाता है वो नहीं है तो आपने एक सिलाई पूरी सीधी दे लेनी है उसके बाद आपने बॉर्डर स्टार्ट करना है तो हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे मतलब बिना बुना उतारा सीधा किया दूसरी तरफ तो उल्टी सिलाई से बॉर्डर बनना शुरू कर देंगे फिर उल्टा बुना सीधा बुना उल्टा बुना सीधा बुना उल्टा बुना और सीधा बुना अब जो ये बॉर्डर है सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा हर सिलाई बुनेंगे हम तो हमारा पहला फंदा उल्टा आया है तो हम उल्टा ही उतार लेंगे और दूसरी तरफ थ्रेड करेंगे और ये सीधा दिख रहा है तो सीधा बनाएंगे उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बनाएंगे फिर सीधा फिर उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा और सीधा तो हम कितना बॉर्डर बनाएंगे वो आपको बताएंगे जी हमने बता दिया है कि बॉर्डर कैसे बनाना है अब बॉर्डर के ऊपर आपने दस नंबर की सिलाई लगानी है ये देखिए दस नंबर की सिलाई आपने बॉर्डर के ऊपर लगानी है और सीधा उल्टा सीधा उल्टा बुनते जाना है सीधा एक सीधी सिलाई उल्टी सिलाई सीधी सिलाई उल्टी सिलाई प्लेन तो आपने बॉर्डर कितना बुनना है वो हम आपको बता देते हैं बॉर्डर आपने बुनना है ये देखिए दो इंच दो इंच का आप बॉर्डर बुनिए बॉर्डर बुनने के बाद आपने इसकी लेंथ रखनी है सत्तर फंदों के हिसाब से जहाँ से हमने कटिंग की है तो हमने इसकी लेंथ दस इंच रखनी है दस इंच नीचे पहनने वाला है अगर हम दो साल से ले कर तीन साल के बच्चे का और छोटा इनर बनाएंगे तो जब हम नीचे से उसको लेगिंग पहनाते हैं तो वो स्वेटर ऊपर ऊपर हो जाता है पेट से ऊपर हो जाता है जिससे कि बच्चे को ठंड लग सकती है इसलिए हमने लॉन्ग बुना है आप उसके जो लैगिंग पहनेंगे ना उसके अंदर इसको देकर ऊपर से लैगिंग पहना सकते हैं डाइपर पहना सकते हैं तो ये नीचे पूरा कवर करेगा पेट तक पेट को पूरा कवर करेगा तो हमने 10 इंच इसकी लेंथ रख कर आगे कैसे बुनना है वो बताएंगे और जो इसकी वृद्ध है वो देख लीजिए वो भी दस इंच ही आनी चाहिए बाकी दस इंच व्रथ है बाकी आप अपने बच्चे के हिसाब से अगर आपका बच्चा मोटा है थोड़ा सेहत वाले होते हैं बच्चे बहुत अच्छे गोल्लू मोलू तो आप लेंथ ग्यारह भी रख सकते हैं इसकी वर्थ ग्यारह रख सकते हैं चौड़ाई अगर आपका बच्चा थोड़ा पतला है दस रख सकते हैं नौ भी रख सकते हैं जे आप पे डिपेंड करता है अब जब हम दस इंच टोटल भुन कर जहाँ तक आएंगे छोल्डर तक उसके बाद हम क्या करेंगे ये देखिए हमने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है क्योंकि अगर हम पूरा बना के दिखाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो हमने क्या किया है हमने ये दूसरा पीस है जे हमारा फर्स्ट भाग है इसी को देखकर हम दूसरा बनाएंगे तो हमने दो इंच का बॉर्डर दिया है दो इंच का हमने बॉर्डर बना लिया है और इसकी टोटल लेंथ हमने दस इंच बना ली है जी देखिए हाँ जी देखिए दस इंच लेंथ है उसके बाद हमने इसकी व्यर्थ भी बता देते हैं जे एक सिलाई पे फंदे हैं इसलिए पता नहीं चल रहा है लेकिन हम आपको बताएंगे जी देखिए दस इंच ही इसकी व्यर्थ है अब हम दस इंच बुनकर क्या करेंगे दस इंच सीधा उल्टा इधर से सीधा इधर से उल्टा ऐसे बुना है अब हम क्या करेंगे हम घटाई डाल लेंगे इसकी जे वाली जे वाली घटाई डालनी हम स्टार्ट करेंगे तो हमने क्या करना है वैसे आपको बता दें इसकी हमने उल्टी साइड से सिलाइयाँ गिनेंगे ना तो सिक्सटी एट सिलाइयाँ बुनी है जे दो चार छ आठ दस ऐसे सिलाइयाँ गिनेंगे ना तो ये सिक्सटी एट सिलाइयाँ हैं अब अपने आप अपने बच्चे के हिसाब से इसको बुन सकते हैं अब हम क्या करेंगे घटाई स्टार्ट करेंगे तो घटाई कैसे स्टार्ट करनी है जी हमारा फंदा निकल गया था ऐसे अब गटाई स्टार्ट करेंगे तो हमने क्या करना है हम तीन दो फंदों का पहले एक करेंगे एक फिर दो इधर फंदा डाल के दो का एक करेंगे फिर इधर फंदा डाल के दो का एक करेंगे तो हमने तीन फंदे कम किए बाकी सिलाई जैसे हमने बोला था आपको कि हम सिलाई पूरी सीधी ही बनाएंगे ऐसे पूरी सिलाई सीधी बनाकर ऐसे सीधी बनाएंगे ये देखिए हम पूरी सिलाई सीधी कवर कर ली है अब हम रॉन्ग साइड पे हैं इधर से हमने तीन फंदे कम किए हैं इधर भी हम तीन फंदे कम करेंगे कैसे करेंगे दो का एक किया फिर इधर थ्रेड फंदे को डाला फिर दो का एक किया फिर इधर डाला और दो का एक किया तीन फंदे कम किए अब पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे जी देखिए फ्रेंड हमने तीन फंदे इधर से कम किए हैं तीन फंदे इधर से कम किए हैं अब हम इसकी घटाई डालेंगे जे वाली पट्टी बुनेंगे और एक एक फंदा साथ में कम करेंगे कितनी बार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह फंदे इधर से कम करेंगे ग्यारह फंदे इधर से कम करेंगे जब हम ग्यारह ग्यारह फंदे कम करेंगे तो हमारे पास जितने टोटल फंदे रह जाएंगे, उतने का हम ये गला भी बुनेंगे और आगे पट्टी भी बुनेंगे तो इसमें हम तेरह फंदों की पट्टी बुनेंगे छः आठ दस बारह और तेरह तेरह फंदे इधर रखेंगे तेरह अब हमारे पास सिक्सटी फोर फंदे बचे हैं छः फंदे हम कम कर चुके हैं सिक्सटी फोर फंदों में जो सिक्सटी फोर फंदे हैं इसमें हम क्या करेंगे एक फंदा सीधा उतारेंगे अब हम पट्टी बुनेंगे साथ में गाई भी डालेंगे अब घटाई जहाँ पे नहीं डालेंगे हम उल्टे फंदे बुनकर डालेंगे दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह तेरह फंदे हमने पट्टी के बुने हैं जे वाले जे तेरह फंदे हमने बुने हैं आगे हम घटाई डालेंगे ऐसे चेन बनाकर सिंपल सी। थ्रेड इधर करेंगे हमने इस तरफ को घटाई डालनी है तो हम पहला फंदा पलटाएंगे ऐसे फिर दो का एक करेंगे ऐसे आगे हम बीच वाले फंदे बुनेंगे और जहाँ पर तेरह फंदे रखेंगे और दो का एक करेंगे जी देखिए फ्रेंड हमने तेरह फंदे पीछे उल्टे रखने हैं उल्टे उल्टे बुनने हैं दो चार छ आठ दस बारह तेरह और दो का हमने एक करना है तो हम इधर जो दो का एक करना है वह दो का सीधा ऐसे ही सीधा ही क्योंकि जे दो का एक इधर को जाएगा तो हमने दो का एक कर दिया सिंपल और आगे हमने तेरह फंदे उल्टे बुनने हैं दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह थर्टीन फंदे तेरह फंदे इधर रखे तेरह फंदे दो का एक किया और जहाँ भी दो का एक किया अब ऐसे ही दो का एक हम ग्यारह बार करेंगे एक बार हमने कर दिया है अब ग्यारह बार करेंगे तो बीच वाले हमारे फंदे अब कितने हैं वो देख लीजिए जहाँ दो तेरह फंदे रखे हैं जहाँ दो का एक किया है आगे है दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौंतीस थर्टी फोर थर्टी फोर फंदे बीच में हैं चौदह फंदे इधर हैं चौदह फंदे तेरह उल्टे एक जो दो का है अब दो का एक करते जाएंगे और हम ग्यारह बार ग्यारह बार हम दो का एक करेंगे ये उल्टी लाइन है ग्यारह दिखनी चाहिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह उल्टी लाइनें बनानी है हमने उसके बाद ये ग्यारह फंदे इधर कम होंगे ग्यारह इधर बाई फंदे कम हो जाएंगे और जो रोंग साइड है वो हमने पूरी रोंग बनानी है उल्टी बना लेकिन फर्स्ट फंदा हमने ऐसे उतारना है सीधा फिर थ्रेड अपनी तरफ करना है तभी आपकी चेन बनेगी साथ साथ में क्योंकि इसके शोल्डर नहीं बनते हैं तो ये इनर है इसलिए इसको बढ़िया सा बुनना है इसकी चेन लानी है जे वाली ऐसे अगर हम पहला फंदा जैसी डायरेक्शन में हो वैसा उतारेंगे तो ऐसी चेन बने। जी देखिए फ्रेंड हमने पूरी सिलाई उल्टी बनी है एंड तक अब एक बार और बता देते हैं कटाई जैसे ही हम इस तरफ आएंगे तो जे फंदा हमें सीधा दिखेगा तो हमने सीधा ही उतारना है इसी डायरेक्शन में फिर हमने थ्रेड को आगे करना है और तेरह फंदे उल्टे बुनने हैं ये जे डाल के दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह ये देखिए तेरह फंदे हमने उल्टे बुन लिए अब जहाँ पे दो का एक किया है तो वहीं पे करेंगे तो थ्रेड को पीछे करेंगे और फंदे को पलटाएंगे हमने बोला था कि जो इधर को करना है तो फंदा पलटाना है इधर को करना है तो सिंपल बुनना है तो हमने फंदा पलटाया और दो का एक कर दिया ऐसे बाकी फंदे हम पूरे सीधे बुनेंगे अब लास्ट में आ गए हैं हम तो हम पहले ही दो फंदे जहाँ तक बुनेंगे जब दो फंदे सीधे दिखेंगे तो वहाँ हम दो का एक करना है तो हम क्या करेंगे हम बिल्कुल ऐसे सीधा ही दो का एक करेंगे ऐसे तो जे इधर को चल पड़ेगी लाइन सीधी और बाकी फंदे थ्रेड आगे करके तेरह के तेरह हम उल्टे बुन लेंगे बस ऐसे आपने बुनते हुए इसकी गिटाई डालनी है दो बार हमने गिटाई डाल दी है दो लाइनें उल्टी बन गई हैं हमने ग्यारह लाइनें बनानी है, ग्यारह फंदे इधर से कम हो गए और ग्यारह इधर से तो हम हाँ पूरे बुन के दिखाते हैं ये देखिए है फ्रेंड्स हमने शोल्डर इतने बुन लिए हैं ग्यारह लाइनें हैं उल्टी उल्टी दो चार छः आठ दस और ग्यारह ग्यारह लाइनें हमने शोल्डर की बुन ली हैं अब ग्यारह फंदे जे कम हुए हैं ग्यारह फंदे जे कम हुए हैं तेरह फंदे इधर थे तेरह थर्टीन थर्टीन फंदे थे ए, एक एक पे जो हम कम करते थे वो फंदे हैं बीच में हमारे बचे हैं दो चार छ आठ दस बारह और चौदह चौदह फंदे बीच में हैं चौदह फंदे साइड में है और चौदह फंदे साइड में है तो फोर्टी टू फंदे टोटल हैं हमारे ये फोर्टी टू हमारे जो फंदे बचे हैं अब हम इसका गला बुनेंगे तो गला कैसे बुनेंगे ये देखिए ऐसा गला हम बुनेंगे इसका तो कितनी लाइनें उल्टी उल्टी डाल लेंगे एक दो तीन चार और पाँच पाँच लाइनें डालकर हम इसको गले को बंद करेंगे सोलह फंदे हम बीच में बंद कर देंगे और तेरह तेरह फंदे रखेंगे तो ऐसे हम बंद करेंगे पहले हम गला बुनेंगे अब इन फंदों को भी साथ में लेंगे सीधा फंदा उतारा अपनी तरफ किया और तेरह फंदे बुन लिए जी देखिए फ्रेंड हमने थर्टीन फंदे बुन लिए हैं अब जो हमारे बीच के चौदह फंदे थे और एक एक साइड का सोलह फंदे तो इन सोलह फंदों को भी हम उल्टा ही बुनेंगे अब हम घटाई नहीं डालेंगे अब हम पूरा टोटल इन सोलह फंदों को भी उल्टा बुनेंगे जे देखिए ये सोलह फंदे भी हमने बुन लिए ये वाले फंदे भी टोटल बुन लेंगे उल्टे इसकी हम आपको लेंथ बता देते हैं क्योंकि कई व्यूअर्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता वो लेंथ के हिसाब से बनाते हैं तो जे लेंथ है इसकी दो इंच की दो इंच लेंथ है जहां हम कटिंग स्टार्ट की थी वहां से लेके वहां तो हमने स्टार्ट की थी जो हमने उल्टे उल्टे बुने हैं इसकी लेंथ दो इंच है टोटल दो इंच की लेंथ बनाकर आपने फिर गला बनाना है गले की हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ पूरा ही उल्टा बुन लेंगे इन तेरह फंदों को भी उल्टा ही बुन लेंगे ये देखिए हमने बुन लिया है फंदे हम इस पे रख लेंगे अब हम रॉन्ग साइड बुनेंगे ये देखिए हम रॉन्ग साइड पूरी रोंग ही बुनेंगे रोंग साइड हमारी हर बार रोंग ही बुनी जाएगी उल्टी ही रोंग साइड से उल्टी साइड से उल्टा ही बुनेंगे ये देखिए फ्रेंड ये राइट साइड है राइट साइड से हम ऐसी टोटल पांच उल्टी उल्टी लाइनें बुनेंगे जैसे इसमें बुनी है दो चार पाँच पूरी कोई बढ़ाना नहीं है कोई घटाना नहीं है तो पांच उल्टी लाइनें बुनकर दस सिलाइयाँ बुनेंगे और आपको दिखाएंगे ये देखिए फ्रेंड्स हमने दो चार पाँच पाँच लाइनें बना ली हैं पाँच लाइनें बनाने के बाद अब हम गले की कटिंग करेंगे तेरह फंदे इधर रखेंगे तेरह फंदे इधर रखेंगे तो गले की कटिंग करेंगे लेकिन हम जब जहाँ पाँचवीं सिलाई बनेगी सीधी सीधी तरफ से तो रॉन्ग साइड से हम गले की घटाई डाल लेंगे जैसे इसमें हमने डाली है इतने सोलह फंदे डाल लेंगे हम बीच वाले तेरह फंदे इधर हैं तेरह इधर हैं सोलह फंदे बीच में क्योंकि चौदह चौदह फंदे थे ऐसे तो हम रॉन्ग साइड से इसकी घटाई डाल लेंगे तो हम क्या करेंगे पहले हम थर्टीन फंदे बुन लेंगे दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह तेरह फंदे जो हमारे ये बटन पर शोल्डर के आ रहे थे वो तेरह फंदे बुनेंगे उसके बाद हम घटाई करेंगे सोलह फंदों की तो हम आगे दो का एक करेंगे फिर इधर डाल लेंगे फंदे को फिर दो का एक करेंगे रॉन्ग साइड से ऐसे तो हम पूरे सोलह फंदे कम कर देंगे बस इधर डालते जाएंगे और बुनते जाएंगे और बहुत टाइट नहीं बुनना है बहुत लूज़ भी नहीं बुनना है ठीक ठीक बुनना है तो हमारी बहुत अच्छी गले की कटिंग आ जाएगी सिक्सटीन फंदे कम करेंगे और तेरह फंदे लास्ट में हम रखेंगे जी देखिए ऐसे हमने कम किए हैं चेन आई है पूरी गला बुनने की ज़रूरत नहीं है इसलिए चेन लानी है और लास्ट में हम तेरह फंदे इधर रखेंगे दो चार छ आठ दस बारह और एक तेरह एक फंदा और कम करेंगे तो हमारे सिक्सटीन फंदे कम हो जाएंगे जे हमारे सिक्सटीन फंदे कम हुए हैं और तेरह फंदे इधर हैं तेरह फंदे इधर हैं थर्टीन थर्टीन तो हम अब इन थर्टीन फंदों को ही बुनेंगे और शोल्डर बुनना स्टार्ट कर देंगे पूरा बुन लिया अब हम एक साइड ही जे वाली साइड ही बुनेंगे जैसे इसमें हमने बुनी है एक साइड ये देखिए ये बुना हमने इसीलिए है कि आपको साथ साथ दिखाते रहें तो हमने ये पांच लाइनें बनाई हैं ना गले की पांच पांच लाइनें जे हैं जहाँ तक आगे हमने दो चार छ आठ दस और ग्यारह ग्यारहवीं सिलाई भी हमारी ऐसे उल्टी आनी चाहिए और थ्रेड इधर आना चाहिए ऐसे हम ग्यारह सिलाइयाँ बाईस लाइयाँ बुनेंगे ग्यारह लाइनें आएगी तो हम जहाँ पे अब ग्यारह लाइनें बुनकर आपको दिखाएंगे तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह तेरह फंदे ही हम बुनते जाएंगे और इसकी ग्यारह लाइनें क्योंकि जो पाँच बनी है हमारी गले की आगे हम ऐसी और टोटल ग्यारह लाइनें बनाएंगे बारह सिलाइयाँ जहीं से फिर हम वापस आ जाएंगे जब हम जहां से वापस आएंगे तो इस फंदे को सीधा ही उतारेंगे और फिर उल्टा बुनेंगे ऐसे आपने बुनना है जी देखिए फ्रेंड हमारा शोल्डर रेडी हो गया है जी हमारा गला बन गया है और गले के बाद हमने ग्यारह लाइनें इसकी बनाई है दो चार छ आठ दस और ग्यारह एक ऊपर है हम दिखाते हैं आपको ग्यारह दो चार छ आठ दस ग्यारह लाइनें हमने कटिंग की है फिर आगे पांच लाइनों का हमने गला बनाया है दो चार पाँच उल्टी लाइनों का आगे फिर हमने दो चार छ आठ दस और ग्यारह लाइनें बुनी है इसकी भी हम देखते हैं कितनी लाइनें हैं दो चार छ आठ दस ग्यारह ये जो लाइन आती है ना ऐसी ही लाइन इधर आनी चाहिए तभी हम इसको आपस में जोड़ेंगे ना जब सिलाइयों से ही इसको बाइंड करेंगे ऐसे ऐसे बाइंड करेंगे ना तो बहुत सुंदर बाइंडिंग होगी जैसे सिला हो तो ऐसे हम बाइंडिंग करेंगे ऐसा ही पीस हम इधर भी बुनेंगे तो हम क्या करेंगे अब जहाँ से थ्रेड काट देंगे जितना हमें बाइंड के लिए चाहिए उतना रख कर बाकी हम काट कर इधर लगाएंगे ये देखिए फ्रेंड हमने थ्रेड उधर से काट लिया है अब सीधी साइड से ही हम थ्रेड इधर लगाएंगे तो हमने ऐसे करना है इसी जही सिलाई से वही सिलाई लेनी है और जहाँ से हमने बुनना स्टार्ट करना है कैसे जहाँ चाहे आप थ्रेड बाइंड बाइंड कीजिए ऐसे क्योंकि तो उल्टा उल्टा बुनना है चाहे आप थ्रेड को साथ में ही थोड़ी दूर बुन लीजिए जो के बीच में ही अटैच हो जाए ऐसे ऐसे आप डबल करके बुन सकते हैं और साथ में अटैच थ्रेड को कर सकते हैं ऐसे बस इसकी भी हमने ग्यारह लाइनें बुननी हैं उल्टी साइड से हम इसकी फिनिशिंग दे देंगे दिखाते हैं कैसे जैसे हमने सीधा बुना फिर ऐसे जब पूरा बुनेंगे लास्ट में जहाँ हमने थ्रेड को डबल किया था जी इसको हम उल्टी साइड कर देंगे और जो हमने डबल से बुना है बुना था डबल ही बुनेंगे तो ऐसे हमने थ्रेड को लगा लेना है जो कि आपको पता भी नहीं चले कि बाइंड कहाँ से हुआ है तो ऐसे ही आप बुनते जाइए पहला फंदा सीधा उतारिए बाकी उल्टे उल्टे तो 11 लाइनें हम इस साइड की भी बनाएंगे जे देखिए फ्रेंड हमने जे भी बुन लिया है जे पीस अब हम दोनों को बाइंड करेंगे लेकिन एक बात हम बताना चाहते हैं आपको कि जैसे हमने सीधी साइड से जो सीधी साइड है सीधी साइड से जे हमने उल्टी लाइन दिख रही है सिलाई के साथ इधर से सीधी साइड से हमने उल्टी सिलाई बुनी है ऐसे ही इधर बुनी होनी चाहिए फिर इन दोनों को बाइंड करेंगे तो बाइंड हम ऐसे फिर कर लेंगे जैसे ये हमने रखा था सिलाई हम सीधी कर देंगे और इनको बाइंड करेंगे अब जब हम ऐसे सिलाई रखेंगे बाइंड करने के लिए तो एक सिलाई का मुँह इधर है एक का इधर है तो जब हम बाइंड करेंगे तो हम फंदे दूसरी सिलाई के पलटा लेंगे जैसे इधर मुँह है तो हमने बाइंड करना है तो हमें जे वाले फंदे दूसरी सिलाई में चाहिए तो हम इस सिलाई का मुँह ही चेंज कर देंगे जैसे हम इस सिलाई के फंदे निकाल लेंगे और इस सिलाई में इस साइड से डाल लेंगे तभी हमारी जो हम बाइंड करेंगे ना अच्छे से सिलाई आएगी ऐसे ऐसे कर दिए अब जे देखिए जे सीधा सीधी तरफ है जे सीधी तरफ वाला इधर ऐसे रखेंगे और इनको फिर हम बाइंड करेंगे अब जे हमारे पास थ्रेड है हम क्या करेंगे एक पीछे का फंदा लेंगे बाइंड कैसे करना है वो बता रहे हैं जे हमारा फंदा पलट गया है थोड़ा सा हाँ तो जे फंदा है पीछे का और आगे का दोनों फंदों को हम ले लेंगे और दो का एक करेंगे दो का एक किया उतार दिया फंदा फिर दोबारा से पीछे का फंदा लेंगे जे वाला पीछे का फिर इधर वाला आगे का ऐसे जे पीछे से जो फर्स्ट में है आगे से ही लेना है फिर दोनों का एक करेंगे और अब इस सिलाई से पीछे का फंदा ऊपर से उतारेंगे उसके बाद फिर करेंगे पीछे का फंदा लेंगे और इधर वाला फंदा ऐसे हमने फंदे लेने हैं और बाइंड करना है फिर ऐसे ही लेंगे जैसे बुनते हैं इसको भी ऐसे ही लेंगे फंदे को और दोनों का एक करेंगे और इस सिलाई से पीछे से फंदे को पकड़ेंगे और ऊपर से निकाल लें तो ऐसे बाइंड करना है हमने तो हम पूरा बाइंड करके आपको दिखाते हैं ये देखिए फ्रेंड हमने बाइंड कर दिया है अब इस साइड से ये देखिए बिल्कुल बराबर आएगा लगेगा नहीं कि हमने सिलाई की है मतलब बाइंड किया है आपको उल्टी उल्टी लाइनें ही दिखेंगी क्योंकि हमने जहाँ पे बाइंड किया है तो ऐसे आपने बाइंड करना है रॉन्ग साइड से जे ऐसा दिखेगा तो ऐसे ही अब हम दूसरे पीस को भी ऐसे ही बंद करेंगे थर्ड सिलाई लेंगे पीछे का फंदा लेंगे पहले एक पीछे का फंदा लिया एक आके का और बाइंड कर दिया हम बता चुके हैं आपको ना ज़्यादा लूज़ बंद करना है ना ज़्यादा टाइट ऐसे दो बार बंद किया दो फंदे बन गए फिर इस सिलाई से ऐसे निकाल देना है तो बस ऐसे ही आपने ये भी बंद करना है जे देखिए फ्रेंड हमने इसको सिलाई करती है जो कि बनकर बहुत सुंदर लग रही है शोल्डर की कटिंग के बाद आ देखिए ये सिलाई हुई है ना तो पता भी नहीं चल रहा कि सिलाई की है अब इसी को पकड़कर हम सिलाई करेंगे। ऊपर की सिलाई भी हो गई है शोल्डर भी बन गए हैं अब हम शोल्डर की आपको पूरी लंबाई बताएंगे कि कितनी है ये देखिए ये शोल्डर की लंबाई है तो शोल्डर की लंबाई इन ये जो फंदे हैं ना हमने छोड़े थ्रेड इसको सुई में डाल के इसके अंदर ही अटैच कर देंगे अंदर ही अटैच कर देंगे इनको हम ऐसे नहीं काटेंगे तो ऐसे हम शोल्डर की आपको लंबाई ना आपके बताते हैं कि कितनी है जी देखिए ये पाँच इंच है पाँच इंच का शोल्डर है बच्चे का तो बस इतना आपने बनाना है बनाकर फिर इसकी साइडों से आपने सिलाई कर देनी है जी ऐसे रॉन्ग है ना तो जहाँ से लेके आपने सिलाई करनी है जहाँ तक बस उसके बाद रेडी हो जाएगा जी ना एक बार हम बता देते हैं जैसे हमने बचे हुए पीस थ्रेड में डाले हैं सुई में तो ऐसे थ्रेड को सुई में डालना है तो इसी के अंदर अटैच कर दीजिए ऐसे अटैच करके उसके बाद आप काटना है साथ के साथ नहीं काटना है तो ऐसे अंदर आप उल्टी साइड बाइंड कर दीजिए इस बंदे को भी इधर को कर दीजिए ऐसे ही इसको तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा जे वाला बनाना इनर क्योंकि जे हमारे व्यूअर्स की फरमाइश थी कि तीन साल से लेके मतलब तीन दो दो साल से लेके तीन साल के बच्चे का बनाइए क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी का बनाया था तो इसलिए आज हमने ये बनाया अगर आपको अच्छा लगा हो हमें लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अगर आपने कुछ और पूछना हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं अब इसकी टोटल लेंथ हम आपको बता देते हैं दस लेंथ नीचे है और पाँच ऊपर है तो पंद्रह इंच की लेंथ टोटल हो जाएगी ये देखिए फ्रेंड पंद्रह इंच की टोटल लेंथ है तो पंद्रह इंच की लेंथ बनाकर आपने क्योंकि दस नीचे है पाँच ऊपर है तो इतना ही बना के आपने अपने बच्चों के लिए दो साल से लेकर तीन साल तक बना सकते हैं अगर फ्रेंड्स आपने पाँच साल के बच्चे का बनाना है तीन साल के बच्चे का बनाना है तो आप इसी हिसाब से फंदे अगर आपने ये तीन साल तक है चार साल तक के बच्चे का बनाना है तो ग्यारह इंच लेंथ रखिए और छः इंच आप शोल्डर का रखिए और फंदे आप सेवेंटी फाइव डालिए चार साल के बच्चे के अगर पाँच साल का बनाना है तो आपने एटी फंदे रखने हैं एटी फंदे रख कर आपने जे वाला तो ऐसे ही बुनना है बीच वाले फंदे ज़्यादा आ जाएंगे जैसे हमने ग्यारह फंदे कम किए हैं आपने पंद्रह फंदे कम करने हैं फिर आपने सिलाइयाँ गले की ऐसे ही बनानी है शोल्डर की जो आपने बनानी है ऊपर लेंथ वो आप ग्यारह की बजाय पंद्रह सिलाइया पंद्रह सिलाइया जहाँ बना पंद्रह बी, पंद्रह तीस सिलाइयाँ ऊपर बनाइए मतलब पंद्रह लाइनें पंद्रह लाइनें ऐसे आप बढ़ा सकते हैं अपने बच्चों के शोल्डर को इंची टेप से नाप कर आप अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बार बार जही डिज़ाइन हम बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप पाँच साल का इसी से ही अंदाजा लगा कर आप बड़ों का भी बना सकते हैं इसीलिए हमने दो साल से लेकर तीन साल तक के बच्चे का बनाया कि आपको समझ आ जाए तो थैंक यू थैंक यू जी